नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केचअप ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप एनग्रेव टेस्ट लिख सकते हैं किसी भी अपने सरफेस पे। तो उसके लिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो एनग्रेव टेस्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास मान लो एक कोई प्रोफाइल है। मैं यहाँ से एक प्रोफाइल बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, इसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड कर लेता हूँ और थोड़ा सा एक डिजाइन बना लेता हूँ ताकि वो अच्छा लगे। तो पेंसिल की हेल्प से मैंने एक डिजाइन यहाँ पे क्रिएट किया और इसको मैं सिलेक्ट करके इसको मूव कर लेता हूँ थोड़ा ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे। अब इस वॉल पे मुझे कुछ लिखना है, तो उसके लिए मैं नॉर्मल टेक्स्ट भी यूज कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से एडिटेबल 3D टेक्स्ट भी यूज कर सकता हूँ, जो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था। एडिटेबल में डिफरेंस ये आ जाता है कि मैं इसे बाद में एडिट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा दीपक वर्मा और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकता हूँ और आप यहाँ पे कर सकते हैं दीपक वर्मा न्यू दिल्ली इंडिया। तो ये मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से साइज इंक्रीज कर सकता हूँ कि मेरे को 1 फिट की इसका हाइट चाहिए या फिर जितना भी मेरे को हाइट चाहिए मैं यहाँ पे इस चीज को यूज कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं जहां पे भी आपको करना है। एक्सट्रूजन मैं हटा देता हूँ, एक्सट्रूजन मेरे को नहीं रखना है अभी क्योंकि मैं एनग्रेव टेस्ट जो यहाँ पे करूंगा तो उसके लिए मेरे को एक्सट्रूजन की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ और भी इंक्रीज कर सकता हूँ जितना मैं साइज यहाँ पे चाहता हूँ। कोई भी आप यहां से फॉन्ट चूज कर सकते हैं। क्लोज किया, क्लोज करने के बाद मैं इसे हल्का सा मूव कर लेता हूं। इसको मैंने यहां से सिलेक्ट किया और इसको मैं मूव कर लेता हूं थोड़ा यहां पे, कुछ ऐसे। क्लियर? तो आपके सरफेस पे ये टेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ आ जाता है। अब आपको करना क्या है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और आप इसे एक्सप्लोड कर दो। जैसे ही एक्सप्लोड करोगे तो ये टेक्स्ट आपका इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। अब जो बीच वाला सरफेस है ये आपका होल है, जो बीच वाला सरफेस है, पेंसिल की हेल्प से आप इस होल को फिल कर दो कुछ इस तरीके से। ये मैंने पेंसिल की हेल्प से यहाँ पे कोई भी एक प्रोफाइल बनाया, ये लाइन आपका क्लोज हो गई अभी। कुछ ऐसे, क्लियर? अब आपको करना क्या है कि आप यहां पे जाएं और आप इसे एक्सट्रूड की हेल्प से डी को जैसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दें, कुछ ऐसे। क्लियर है? ऐसे ही आप सबको एक्सट्रूड कर सकते हैं, एक एक करके आप सबको एक्सट्रूड कर दें। बार बार करने की जरूरत नहीं, आपको एक बार क्लिक किया और आप डबल क्लिक करेंगे तो सेम एक्सट्रूजन वैल्यू आपकी सभी में आ जाएगी जिसपे आप डबल क्लिक यहाँ पे करते हुए चलेंगे। एक ही बार आपको एक्सट्रूड करना है, उसके बाद तो आपको डायरेक्टली डबल क्लिक करना है। अंडू किया, आप देखो अब जैसे बीच में रुका तो वैसे ही आपका एक्सट्रूजन चेंज हो गया यहां पे। फिर डबल क्लिक, लास्ट एक्सट्रूजन को वो वहां पे उठा लेते हैं अपने आप ही डबल क्लिक करने से। ऐसे आप यहां पे डबल क्लिक कर सकते हैं। तो ये सभी टेक्स्ट आप देख पाएंगे यहाँ पे अंदर की तरफ एक्सट्रूड हो गया, एनग्रेव्ड हो गया आपका टेक्स्ट। अब अगर आप मटेरियल यहाँ पे यूज करते हैं, मान लो आप यहाँ पे कोई भी मटेरियल यूज करते हैं, ये मान लो मैंने यहाँ पे मटेरियल यूज किया, अब आप देख पाएंगे अंदर की तरफ आपका यहाँ पे एनग्रेव टेक्स्ट है आपका इस तरीके से। और अच्छे से अगर आपको ये देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से शेडो ऑन कर सकते हैं और शेडो ऑन करके अगर आप इसे अब देखेंगे ध्यान से तो आपको ये बड़ा अच्छे से दिखेगा कि आपका ये एनग्रेव टेस्ट है। कुछ इस तरीके से आप शेडो देख पा रहे हैं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे करके आप एनग्रेव टेस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां पे भी आपको लिखना है एनग्रेव टेस्ट, एनग्रेव टेस्ट आप इस प्रोसेस की हेल्प से यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आज की वीडियो में एनग्रेव टेक्स्ट आप कैसे लिख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे कर्व टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें
और भी वीडियोस का आप यहां से देख सकते हैं और इनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ स्केचअप एंड अदर सॉफ्टवेयर। थैंक यू सो मच।